हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2। लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था, फ्यू सम सीखे थे कि हमें कैसे सब्ट्रैक्शन करना है स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक किससे स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी फंक्शन, क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि जब हम कोई नंबर को जीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले भी हम क्लास में हमने क्या करे थे, कुछ सम्स ऐसे थे जिसमें जीरो आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जीरो माइनस जीरो इज जीरो, नाइन माइनस जीरो इज नाइन, फोर माइनस जीरो इज फोर, इस तरीके से था ना नंबर। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल 940 माइनस जीरो, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 940 फ्रॉम द नंबर जीरो, द नंबर कम बैक टू इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे हमें वही नंबर वापस रिटर्न में मिल जाता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी सेज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, द डिफरेंस इज जीरो, द डिफरेंस इज जीरो। यानी कि जब कोई भी दो नंबर जो एक जैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 940 माइनस 940, 240 माइनस 240 ना, 240 माइनस 240, सारे नंबर सेम है तो जीरो जीरो जीरो। ओके, When we subtract a number from the number itself, यानी कि जब हम कोई भी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो। और जब हम किसी नंबर को जीरो से करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, वही नंबर हमें रिटर्न में मिल जाएगा जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 4-digit number। अभी लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-digit number। प्रीवियस क्लासेस में जो आपकी लास्ट ईयर की क्लासेस है, 2 में 1 में हमने करे थे 2-digit number, फिर हमने स्टार्ट करे 3-digit number। आज हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन विद 4-digit number। ओके, रूल्स विल बी सेम, जो 100, 10s, 1s, 10s और 1s जो रूल्स थे, सेम रूल्स विल बी देयर। लाइक लेट अस सब्ट्रैक्ट 6312 फ्रॉम 8654। नाउ यहां पे कितना, यहां पे दिया है एक्सपैंडेड फॉर्म इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज पे पहले हमारा दिया है एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब आप जानते हो, किसी भी नंबर को एक्सपैंड करना। लाइक 2738, ठीक है, अब हम इसे एक्सपैंड करना है। सो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है 2000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 8। एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। सो इन द सेम वे वी विल डू विद द सब्ट्रैक्शन। सी द एग्जांपल इज गिवन, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 6312 फ्रॉम 8654। अब फ्रॉम का मतलब मैम ने आपको लास्ट क्लास से बताया था। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जब भी फ्रॉम के बाद नंबर आता है, वो नंबर हमें सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सबसे
ऊपर लिखना है, सबसे पहले लिखना है, और जो नंबर फ्रॉम के पहले लिखा जाता है वो नंबर हमें नीचे लिखना है। बताया था मैम ने? तो अब फिर से हमारा वही चीज है, लास्ट क्लास वी हैव सीन एच पी ओ, सही था ना? नाउ दिस टाइम 1000 हैज बीन एडेड, सो वी विल राइट हियर टी एच, टी एच एच पी ओ। ओके, अब 8654 इज बिगर देन 6312, तो 8654 क्या होगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा, लाइक दिस एज इट इज रिटन, और 6312 कहाँ लिखा जाएगा, उसके नीचे, और आपको नंबर के नीचे नंबर उतारना है, ठीक है? नंबर के नीचे नंबर, ये नहीं है कि 8654 है तो 6000 के प्लेस है तो 6 आपने 100 में प्लेस कर दिया, 3 को आपने टेंस के प्लेस पे प्लेस कर दिया, 1 को आपने वंस की प्लेस पे प्लेस कर दिया, और टी और 2 आपने बिल्कुल ही बाहर कर दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस मेथड इज रॉन्ग, दिस मेथड इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, ठीक है? दिस इज अ करेक्ट मेथड। नाउ एक्सपैंड, पहले हम देखेंगे कि एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इन्हें कॉलम्स में अरेंज कर लिया, 1000 के प्लेस पे 1000 का नंबर है, 100 के प्लेस पे 100 का नंबर है, टेंस की प्लेस पे टेंस का है, और वंस की प्लेस में वंस का नंबर है। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सपैंडेड फॉर्म। सी, गिवन 8000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4, डन। नेक्स्ट इज 6300 10 एंड 2, सो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट द वंस, देन सब्ट्रैक्ट द टेंस, देन सब्ट्रैक्ट द 100, देन 1000, ठीक है? लेकिन ये एक्सपैंडेड फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पे बीच में एडिशन के निशान लगा रखा है, ठीक है ना? नाउ लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन, 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 2, नाउ 10 माइनस 50 40, 600 minus 300 is 300, and 8000 minus 6000 is 2000. So answer is 2000 plus 300 plus 40 plus 2. So this was the expanded form. But ये तो बहुत लंबा procedure है, ठीक है? This is very long. पहले आप उसे expanded form में convert करो, then you have to convert it in, then उसके आंसर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लेकर आओ, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो दिस मेथड इज राइट, ये आप कर सकते हो, लेकिन इससे हम छोटा मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यानी जैसे हम रेगुलर में करते हैं सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में करा है, रेगुलर क्लासेस में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो वो होता है शॉर्ट फॉर्म, और ये था हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, एज मैम हैज टोल्ड यू दैट वी नीड टू अरेंज द नंबर्स इन द राइट प्लेसेस, लाइक 1000 नंबर शुड बी प्लेस्ड इन द 1000 प्लेस, 100 का 100 की प्लेस पे, टेंस का टेंस की प्लेस पे, वंस का वंस की प्लेस में। सो वी नीड टू अरेंज द नंबर्स इन द राइट प्लेसेस। सबसे पहले, विदाउट दिस योर ईच एंड एवरी स्टेप विल बी रॉन्ग। ओके, अगर आपने सही जगह पे नंबर्स को प्लेस नहीं करा तो फिर आपका हर एक स्टेप क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन सेम मेथड, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 3 3, एंड 8 माइनस 6 2। ओके, so 2342 is the answer, got it? Done. Now let's see self practice. This is your self practice. Now self practice मतलब आपको अभी क्या करना है, अब हम इसके
एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो मैम आपको 2-3 सम्स का एग्जाम्पल देंगी और रेस्ट विल बी योर होमवर्क, ठीक है? सो मैम आपको फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स बताएंगी, बाकी आपको कैसे करना है अपने होमवर्क में करना है, यानी HW में करना है। सो पहला नंबर हमारा क्या है, 7389। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लिख सकते हो THHTO, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैम को पता है इसलिए मैम ऐसा नहीं कर रही है। तो 5, 9 minus 5, let's take out your 5 fingers, और फिर मैम ने कैसे बताया था, 9 से बैक काउंटिंग करना, तो 8, 7, 6, 5, 4, आंसर इज 4. Now again we have 0 minus 8 property. Use the property of subtraction. कभी भी कोई first point was that, क्या थी पहली property, कि जब भी हम कोई number 0 से subtract करते हैं तो number हमारे पास return में आ जाता है. So 8 minus 0 is 8. Now 2 minus 3 1 and 3 and 7 4. So your answer is 4184. Next, 7 minus 8, 1. 4 and 5, minus karo, 1. Again, 3 and 6, 3. And 2, 4, 2. So 2, 3, 1, 1 is the answer. Now, this from 3 to 10, you will be doing it as your HW. HW में करेंगे, ठीक है, घर पे करेंगे. और क्या करना है आपको घर पे, सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सम्स करोगे, ओके? अब आपको हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. तो टिल देन रिवाइज एट होम द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड वी विल मीट यू सून. बाय बाय.